मैंने महाराज देखे, परम ज्ञानी पंडित देखे, किंतु सदैव उनके मुख पर तनाव और चिंता का भाव देखा। तो आप भिक्षुगण सदैव इतने प्रसन्न और शांत कैसे रहते? जिसने अपने आने वाले कल की चिंता छोड़ दी, उसने अपने बीते हुए कल का भार भी खो दिया। मेरी ओर से इसे भिक्षा में ले जाएं और स्वयं बुद्ध को दें। महाराज आजाद शत्रु ने कहा है कि उनकी ओर से यह भिक्षा केवल आपको सौंपी जाए। मैं तो परम निर्धन हूं, इस भौतिक सत्ता से मुझे क्या कम? चलो आनंद, शुभ है आजाद शत्रु। फिर आपके चरणों में आया क्यों नहीं? उसका अहंकार उसे यहाँ नहीं आने देगा। और आपकी करुणा आपको उस पापी के पास स्वयं लेके जाएगी। क्या ऐसा व्यक्ति आनंद के मार्ग पे चल सकता है? अवश्य चल सकता है। आनंद का कोई मार्ग नहीं होता, आनंद स्वयं एक मार्ग है।